हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते। अगर आपने एसएससी जीडी से फॉर्म भरा है तो आपको क्या ऐसा एरर आ रहा है? तो अगर ये एरर आ रहा है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा? ऐसा क्यों आपको आ रहा है तो चलिए देख लेते। देखिए, कुछ कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड नहीं देख पा रहे, उनको ये एरर आ रहा है, सॉरी इधर यू इंटर रॉन्ग डिटेल्स। क्या इस एरर का मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या आपका एडमिट कार्ड कभी नहीं आएगा? तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। देखिए, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन पर आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आप जब अपना नंबर फिल करते हैं, जैसे कि देखिए मैं अभी फिल कर रहा हूँ एक कैंडिडेट का नंबर, तो क्या होगा अगर यहाँ पे जो नंबर फिल करने के बाद, देखिए फिल कर देता हूँ, सर्च करने के बाद देखिए क्या आपके सामने भी सर्च करने पर ऐसा एरर आता है? तो इस एरर का क्या मतलब है? आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया? वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इधर यू रॉन्ग डिटेल्स। क्या आपने फॉर्म फिलअप करते हुए कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है? तो देखिए इसका मतलब है आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है और ना ही आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी है। इसका जो मतलब है वो समझने से पहले एक बात जान लीजिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा एरर कहीं पर भी देखने को मिले तो पहला डाउट कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इससे देखिए इसका मतलब फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है और इसका मतलब है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा। लेकिन देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, सुनते रहिए। इसका मतलब है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रोसेस में है और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी 10-12 दिन दूर है। तो वेट करें और जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको अपने ईमेल पे या आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आपको मिल जाएगा और जब वो एसएमएस आएगा तभी आपका ये जो सॉरी इधर फॉर यू रॉन्ग डिटेल्स ये जो एरर है वो एरर नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते इसके बारे में। देखिए, ना ही आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ना ही आपका एडमिट कार्ड कैंसिल हुआ है। इसका मतलब है कि अभी आपका एडमिट कार्ड जो है वो बन रहा है और जब बन जाएगा तब आपको एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाएगा या आपकी ईमेल पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो भेज दिया जाएगा। तो ये एरर से मत घबराइए, ये एरर सिर्फ आपका एग्ज़ाम दूर है, अभी कुछ दिन बाकी है इसलिए ऐसा एरर दिखा रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।